नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं यहाँ पे पायल मैम के सोल सर्चिंग जो रिट्रीट हुआ था जनवरी में, उसके रिव्यू के लिए आई हूँ। एंड जब मैंने वो जर्नी ज्वाइन करी थी, तब मुझे एहसास था कि यस, मेरे लाइफ में चेंजेस आएंगे, बट मेरी लाइफ को उन्होंने बिल्कुल पलट दिया। पायल मैम जो है मेरे लिए भगवान का रूप है इस धरती पर। इससे ज़्यादा तो, इससे कम तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। शी इज़ लाइक गॉड टू मी, एंड जैसे कि गॉड ही अवतरित हो गए हैं। और शी वॉज लाइक माई फादर एंड मदर बोथ, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो मेरी फादर एंड मदर हैं, वो हर जिस भी इंसान के संपर्क में आती हैं वो उसकी फादर एंड मदर हो जाती हैं, बिकॉज वो परम पवित्र आत्मा है। एंड उन आत्मा के संपर्क में रहना एक बहुत बड़ी, एक मैं कहूँगी मेरी बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, जो कि मैं उनके संपर्क में आ पाई। उनके साथ एक मिनट भी मैंने बिताया, और खैर मैं उनके साथ एक मिनट नहीं बिताया, उनके साथ पूरे 6 दिन बिताए, तो मेरे बहुत बड़े कर्म होंगे। और उनके साथ रहने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने अद्भुत एहसास होते हैं, लाइफ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सेट हो जाती है, बैलेंस में आ गई मेरी लाइफ। उन्होंने जो सांसों की टेक्निक बताई, उससे मेरे बहुत बहुत पुराने ट्रॉमास निकले, मुझे पता नहीं थे वो अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने उनकी जो एक कंफर्ट जोन उन्होंने जो हमें प्रोवाइड कराया, एक माँ का, एक पिता का जो एक सानिध्य मिला, जिसके रहते मैंने वो अपने इमोशंस जो कि सालों से दबे पड़े थे, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैंने उन्होंने मुझे शक्ति दी कि मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूँ उन 6 दिनों के दौरान। इट वॉज माइंड ब्लोइंग, ऑसम एक्सपीरियंस था। मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, एंड डेफिनेटली वो आगे भी ट्रांसफॉर्म होगी, बट मैं कुछ की कुछ हो चुकी हूँ। मैं वो सेम सीमा नहीं रही वो 6 दिनों के अंदर। एंड शी इज़ जस्ट अमेजिंग, शी इज़ जस्ट व्हाट टू से, मतलब शी हैज़ उतनी प्योर सोल है कि आप उनके संपर्क में आने में ही चेंज होने लगते हो। और उसके बाद अगर वो मतलब जितना ज़्यादा उनके संपर्क में आते हैं, उतने ही ज़्यादा अपने आप स्पॉन्टेनियसली हमारी क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो अगर आप बहुत बहुत लकी हो मेरी तरह तो ही आपको उनके साथ मौका मिलेगा। एंड या प्लीज़, अगर आपको मौका मिलता है उनके साथ संपर्क में आने का, और उनका, उनके जो गुण हैं उनको कहीं से भी ग्रहण करने का, उनकी नॉलेज को ग्रहण करने का, उनकी प्योरिटी को ग्रहण करने का, इस मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। बिकॉज दिस इज, शी इज जस्ट डिवाइन, शी इज जस्ट डिवाइन सोल। एंड इट वॉज सो ईजी, एवरीथिंग वॉज सो ईजी। मुझे पता चला लाइफ बहुत ईजी हो सकती है, मैं और भी मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ स्पिरिचुअलिटी में, बट इतनी ईजिली जो है वो एक्सपीरियंस जो है किसी किसी गुरु ने मुझे प्रोवाइड नहीं कराया। वो जो जितनी हम्बली उन्हें प्रोवाइड कराया, जितनी वो ग्रेट सोल है, और उन्होंने अपने संपर्क में आने का हमें मौका दिया, और इट वॉज लाइक, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बताने के लिए कि कितने लाइफ चेंजिंग हो सकता है। बट बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोगों को एक जानना भी ज़रूरी है। तो लाइक बहुत सारे हिडन जो मेरे शेम और गिल्ट के इमोशंस थे, और बहुत सारे हिडन इमोशंस जिसमें एंगर के इश्यूज थे, वो सारे इश्यूज मैंने रिलीज़ किए उनकी इस 6 दिन की वर्कशॉप में। एंड सिंपल टेक्निक जो उन्होंने अप्लाई करवाई हमें, वो ब्रीदिंग टेक्निक थी। और ये ब्रीदिंग टेक्निक जो है मैं उनके संपर्क में रहने से, उनके साथ रहने से बहुत इजीली कर पाई, बिकॉज मुझे उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिलाया कि यस, आई विल टेक केयर ऑफ यू, एंड शी टेक्स केयर ऑफ अस लाइक अ स्मॉल बेबी। एंड स्टिल वो एक एक पॉइंट, एक एक हमारे फ्लॉज को पॉइंट आउट भी करती रही, जहाँ पे भी हम लोग गलत रास्ते गए, उन्होंने कहीं भी चूका नहीं हमारे फ्लॉज को पॉइंट आउट करने में। तो इट वॉज अ वेरी वेरी हीलिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फ्रॉम अ ग्रेट सोल, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट। एंड आई थिंक सो जिसको भी ये मौका मिलेगा वो भी पर्सन बहुत ही ब्लेस्ड होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट द रिट्रीट। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।